हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन प्लस नाइन आर टी जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है, आपको पता ही होगा। और आज उसी के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, किस तरह का ये फोन आया, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स क्या है, प्राइस क्या होने वाला है इस फोन का, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, हम बात करते हैं वन प्लस नाइन आर टी के बारे में। सबसे पहले हम इसके इस डिजाइन को देखते हुए बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे बैक डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, आपको अच्छा डिजाइन देखने मिल जाता है। कैमरा डिजाइन की बात करें या फिर बैक लुक्स की बात करें, अच्छे डिजाइन में देखने मिल जाता है। ट्रिपल सेटअप कैमरा भी आपको वहाँ पे पीछे देखने मिल जाता है, माइक्रोफोन का भी सेंसर देखने मिल जाता है, एंड आपको एक एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा डिजाइन लुक्स देखने को मिल जाता है वन प्लस नाइन आर टी का। देन गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले को देखते हो, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको 6.62 इंचेस का सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक सही चीज होती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 600 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, जो कि एक सही चीज हो जाती है। 600 हर्ट्ज आपको यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको एक अच्छे डिस्प्ले में अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अच्छे डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इफ वी टॉक अबाउट इट्स बैटरी बैकअप या फिर स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पे हम बैटरी बैकअप की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 30 वॉट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, जो कि एक सही चीज है, अच्छे बैटरी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्टोरेज, तो यहाँ पे आपको दो स्टोरेज देखने को मिलता है, एंड इट्स आल्सो एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने मिलता है। 8GB रैम आपको यहाँ पे मिलता है, 128 इंटरनल स्टोरेज, एंड आपको यहाँ पे 12GB रैम देखने को मिलता है, 256 इंटरनल स्टोरेज, दो वेरियंट मिलता है, एंड इट्स एक्सपेंडेबल टू 19GB तक। हम बात कर सकते हैं कि 19GB स्टोरेज देखने को मिलता है, 19GB रैम आपको देखने को मिलता है, 12GB से आप 19GB रैम एक्सपैंड कर सकते हैं सेटिंग में, तो ये सही चीज हो जाती है। एक्सपैंडेबल स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक सही चीज है, अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसके स्टोरेज में। देन गाइज, इफ वी टॉक अबाउट इट्स कैमरा फीचर, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कैमरा फीचर देखने को मिल जाता है। बात करें बैक कैमरा की, तो ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा की बात करें, तो 50 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा कैमरा होता है। 50 MP प्राइमरी कैमरा सोनी IMX कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि सोनी के कैमराज आपको बताऊंगे कि अच्छे कैमरा होते हैं, अच्छी क्वालिटी फोटोज आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा से निकाल के देखने को मिलेगी, अच्छे से फोटोज हो जाएंगी। देन इफ वी टॉक अबाउट सेकंड कैमरा, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, अच्छे ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा। देन गाइज, इफ वी टॉक अबाउट इट्स थर्ड कैमरा, तो यहाँ पे आपको 2 MP का देखने को मिल जाएगा माइक्रो शॉट्स के लिए, जो कि अच्छी चीज है। तीसरा कैमरा जो होगा आपको 2 MP का माइक्रो शॉट्स के लिए देखने को मिल जाएगा। देन गाइज, इफ वी टॉक अबाउट इट्स सेल्फी कैमरा, तो यहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा ऑप्शन है। 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा, अच्छे सेल्फी ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें कैमरा में, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बेहतरीन ऑप्शन हैं। पोर्ट्रेट मोड हो गया, नाइट मोड हो गया, जो कि सभी फोन्स में होते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको इस फोन में मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वन प्लस का जो कैमरा होता है अच्छा कैमरा होता है, और यहाँ पे क्वालिटी भी उसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन, अच्छी क्वालिटी फोटोज आती है, तो आपको यहाँ पे कैमरा अच्छा देखने को मिल जाएगा। देन गाइस, इफ वी टॉक अबाउट इट्स पावर मीन्स प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 पे ये फोन आता है, जो कि अच्छा प्रोसेसर हो जाता है, गेमिंग प्रोसेसर भी कह सकते हैं, अच्छा प्रोसेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग भी आप इसमें आराम से कर सकते हो, बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आप गेमिंग भी खेल सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। देन गाइज, इफ यू टॉक अबाउट इट्स कलर ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर, 3 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाइज, हम बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर ऑन एंड ऑफ बटन। देन गाइज, आपको यहाँ पे जो वन प्लस का सिग्नेचर है अलर्ट स्लाइडर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सही ऑप्शन है। ये जो सिग्नेचर है बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप बहुत ही सही से आप ना साइलेंट कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो, बहुत ही सही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अलर्ट स्लाइडर आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। देन गाइस, अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा वही पूरा आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सही चीज है,
बात करें ऊपर की साइड की तो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने मिल जाएगा, सेंसर वहां पे आपको एक सेंसर देखने मिलेगा एंड पूरा फ्लैट देखने मिलेगा। बात करें नीचे साइड की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सिम ट्रे, देन गाइज आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल एंड यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक सही चीज होता है। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया, जो भी इसके फीचर्स थे, स्पेसिफिकेशंस थे और जो भी पोर्ट्स वगैरह बटन्स थे, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। चलेगा इस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।